किचन में आज हम बनाएंगे पाव भाजी। उसके लिए हमें सामग्री लगेगी पाव, बारीक कटी हुई फूलगोभी 300 ग्राम, बारीक कटे हुए आलू 300 ग्राम, बारीक कटे हुए प्याज 300 ग्राम, बारीक कटे हुए टमाटर 300 ग्राम, राई जीरा, बटर 100 ग्राम, मटर 100 ग्राम, 150 ग्राम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हुई गाजर, पाव भाजी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, स्वादानुसार नमक, लहसुन और अदरक का कूट आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, एक नींबू कटा हुआ, हरा धनिया और साथ में हम लेंगे गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम बारीक कटे हुए आलू डालेंगे, मटर डालेंगे, फूलगोभी डालेंगे बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, एक बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे, उसमें हम 1.5 ग्लास पानी डालेंगे, प्रेशर कुकर का हम ढक्कन बंद कर देंगे, गैस हम ऑन करेंगे और सब्जियों को हम पकाने के लिए रख देंगे। सब्जियों को हमें 5 सीटी आने तक पकाना है। कुकर ठंडा होने के बाद उसका हम ढक्कन खोल देंगे। हमारी सब्जियां पक चुकी है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे 1 गिलास में। अब हम सब्जियों को स्मैश कर देंगे, एकदम बारीक स्मैश करना है। पाव भाजी में स्मैश की हुई सब्जियां अच्छी लगती है। हमने सारी सब्जियां स्मैश कर ली है। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें बटर डालेंगे। टोटल हम 50 ग्राम बटर यूज़ किया है और साथ में हम उसमें तेल डालेंगे। आप चाहे तो पूरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, हमने दोनों मिलाया है। अब हम उसमें लहसुन और अदरक का कूट डालेंगे और थोड़ा पका देंगे उसको भी। अब हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और मिक्स कर देंगे। प्याज को थोड़ा हम लाल होने तक भूनेंगे। अब हम उसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटर गलने के लिए हम पहले ही उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे, ढक्कन खोल देंगे। हमारे टमाटर अभी तक पके नहीं है, इसलिए हम उसमें फिर से ढक्कन रख देंगे। 1-2 मिनट बाद हम उसका ढक्कन फिर से खोल देंगे। हमारे टमाटर पक चुके हैं,
अब हम उसे अच्छे से स्मैश कर देंगे, सारी सब्जियों को हम अच्छे से स्मैश कर देंगे। हमारी सब्जियां पक चुकी है, अब हम उसमें धनिया पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधी चम्मच और पाव भाजी मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच डाला है टोटल, और मिक्स कर देंगे उसे भी। अब हम उसमें जो सब्जियां स्मैश की है वो डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब हमारी पाव भाजी बस बनने ही वाली है और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम। सब्जी हमारी पकने ही आई है, अब हम उसमें थोड़ा ऊपर से बटर डालेंगे और फिर थोड़ा और पकने देंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और साइड में ही हम पाव गरम करने के लिए तवा रख देंगे। पाव पे हमने घी यूज किया है, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ हम इस तरह घी लगाएंगे। हम एक बार में सिर्फ 4 ही पाव गरम करेंगे ताकि अच्छे से गरम हो जाए। ध्यान रहे कि हम पाव को दोनों साइड से घी लगाएं और दोनों साइड से अच्छे से गरम करें। पाव को थोड़ा हम गरम होने के रख देंगे। पहले हम पाव को एक साइड से गरम करेंगे और फिर दूसरी साइड से हम पलटेंगे और उसे भी थोड़ा गरम करके लेंगे। देखिए हमारे पाव गरम हो चुके हैं, अब हम इसे एक डिश में कलेक्ट कर लेंगे। अब हम सर्व करने के लिए अपनी भाजी लेंगे। देखिए हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है, अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, और साइड में थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे और हम उसमें नींबू निचोड़ देंगे। गर्मा गर्म पाव भाजी स्वस्थ से खाए, मजे से खाए और अपने अनुभव लीलाज किचन पे शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।